इंसान जब सत्संग में चल के आता है तो उसे पता चलता है कि उसने कौन सा कर्म करना है और कौन से कर्म से बचना है। कलयुग में दिखावा बढ़ रहा है, धर्मों का कर्म करने वाले बहुत कम लोग हैं। दिखावे पे जोर हर कोई देता है पर कर्म करने पे बहुत कम लोग चलते हैं या जोर लगाते हैं। हमारे धर्मों के कर्म हमें यह सिखाते हैं कि आपस में बेगर्ज मोहब्बत हो, निस्वार्थ प्यार हो। हमारे धर्म हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो, दुनियावी नशों से दूर रहो। हमारे धर्म यह सिखाते हैं कि शुद्ध शाकाहारी बनिए, मांसाहार को त्याग दीजिए। हमारे धर्म हमें सिखाते हैं करैक्टर बहुत ऊंचा रखिए, पर देखने वाला यह है कितने लोग हैं और किस धर्म के जो इन बातों को फॉलो करते हैं, इन बातों को मानते हैं। ज्यादातर उल्टे कर्म करने वालों की गिनती बढ़ रही है। पहनावा दिखावा धर्म का नजर जरूर आता है लेकिन धर्म को मानने वालों की कमी दिन ब दिन नजर आती जा रही है। और जब तक इंसान धर्म के कर्म को नहीं मानता तब तक धर्म में बताई हुई फायदे की चीजें, दया में रहमत कृपा इंसान को नहीं मिल सकती। कोई भी चीज हासिल करने के लिए उसके लिए समय देना जरूरी है। आप डिग्रियां डिप्लोमे लेते हैं उसके लिए भी जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। आप कोई भी फसल लेते हैं उसके लिए 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो उसी तरह अगर आप मालिक की दया मेहर रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय तो देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 2 महीने सुबह शाम घंटा घंटा सुमरन करके देख लो, रिजल्ट जरूर आएगा। अब आप अगर सुमरन करें ही ना तो सुमरन क्या कर सकता है। भक्ति तब भी फलती फूलती है जब इंसान भक्ति करता है। दिखावे से भक्ति मार्ग लेने से बात नहीं बनती। दर्द यकीन हो, सेवा सुमरन में थोड़ा ध्यान लगाएं आप तो यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर बरसती है और मूसलाधार बरसती है। सिर्फ दिखावा नहीं, अमल करना भी सीखिए। जब आप दिखावा करते रहते हैं वो एक ढोंग है, वो एक पाखंड है। दिखावे की बजाय वचनों पे दृढ़ यकीन करके देखो। संत पीर फकीरों ने हमारे धर्मों में जो बताया है उस पे अमल करके देखो, यकीनन अंदर बाहर से खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर आज के दौर में दिखावा बढ़ रहा है, पाखंडवाद है, शॉर्टकट। लोग ढूंढते हैं मालिक को पाने का, रुपया चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया, खाने पीने का सामान चढ़ा दिया, इत्यादि इत्यादि। इनमें से कुछ भी मालिक के पास नहीं जाता। ये तो फजूल की बातें हैं, ये तो पाखंडवाद है। मालिक को पाने के लिए उसके लिए तड़प बनाओ, उसके लिए अंदर अपने व्याकुलता पैदा करो तो यकीनन वो जरूर मिल जाता है। तो सेवा सुमरन में ध्यान लगाइए, सबका भला करो, भला सोचो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे।